भाजपा में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने का आह्वान करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि निष्ठावान कार्यकर्ता प्रत्येक स्थिति में संगठन की विचारधारा से जुड़े रहते हैं। रविवार को जिला ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। दीपलक्ष्मी सेलिब्रेशन सभागृह हुड़केश्वर में आयोजित इस सम्मेलन में नितिन गडकरी संबोधित कर रहे थे। भाजपा की वर्तमान स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विपरीत स्थितियों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के बलिदान से पार्टी अच्छी स्थिति में पहुंची है। जिस तरह बरसात में बाढ़ आती है, उसी तरह सत्ता में भी बाढ़ आती है। निष्ठावान कार्यकर्ता प्रत्येक स्थिति में कार्य करते रहते हैं, वे ही संगठन की ताकत है। विधायक, सांसद, मंत्री सहित विविध पद पर अस्थायी है, कार्यकर्ता का स्थान कायम रहता है। दीपलक्ष्मी सेलिब्रेशन सभागृह हुड़केश्वर में आयोजित इसी सम्मेलन में नितिन गडकरी संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, जिला ग्रामीण के अध्यक्ष सुधाकर कोले, पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद गजबीये, चंदसुख संचेती, विकास महात्मे, राजीव पोतदार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। देवराव तंबाखे म्हणून आपले जुने कार्यकर्ते, उत्तम कार्यकर्ते होते। आम्ही, प्रश्न होता की देवराव तंबाखेला तिकीट द्यायचं का रमेश मानकरला तिकीट। रमेश माझा मित्र होता, मोता सायन्स कॉलेजमध्ये गावचा होता, पण आम्ही विचार केला की देवराव तंबाखे इतक्या वर्षापासून काम करतात, त्यांना तिकीट दिलं पाहिजे। जेव्हा जेव्हा देवराव तंबाखेला तिकीट दिलं, ते निवडणूक हारले आणि रमेश मानकर निवडणूक जिंकले। एक यांनी मला, बावनकुळे आणि पोद्दारांनी, काटोल नगर परिषद, आता आशिष देशमुखही पाटील आले, चरण ठाकूरही आले, ते यायच्या निवडणुकीत आले, मला म्हणाले बस तुम्ही एकदा काटोलला या म्हणे, तुमचा एक दौरा झाला का बस नगर परिषद जिंकलो म्हणे आपण। गडकरी ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए। लड़ाई शस्त्र से नहीं, मन से लड़ते हैं। मन दुर्बल हो, आत्मविश्वास ना हो, भावना उत्कृष्ट ना हो, तो लड़ाई नहीं लड़ सकते। भाजपा की आज जो तस्वीर दिख रही है, वो मेरे या मोदी के कारण नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के बलिदान के कारण है। असंख्य कार्यकर्ताओं ने प्रतिकूल स्थिति में कार्य किया है। संस्मरण साझा करते हुए गडकरी ने कहा कि पहले नागपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से मारपीट होती थी, उनकी गाड़ी फूंककर तालाब में फेंक दी जाती थी। गडकरी ने कहा कि राजनीति में जाति को अधिक महत्व दिया जाना ठीक नहीं है। लोग जाति के आधार पर राजनीति में दबाव बनाने लगते हैं। बिहार में मुझे ब्राह्मण नेता के रूप में प्रेम करने वाले मिले। वहां के कुछ ब्राह्मण नेताओं ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर किसी ने पंडितों के दिल पर राज किया है तो वो लोकप्रिय नेता नितिन गडकरी है। मैं इस तरह की बातों को सही नहीं मानता। महाराष्ट्र में चंद्रशेखर बावनकुले ने भाजपा में जाति आधारित विविध मोर्चे तैयार किए हैं। ये मोर्चे चुनौती भी बन सकते हैं। चुनाव के समय जाति आधारित मोर्चा उम्मीदवारी के लिए हिस्सेदारी मांगने लगते हैं। पार्टी टिकट मिलने पर दावा करने लगते हैं कि उनकी जाति की संख्या देखकर पार्टी ने टिकट दी है। NBC न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।